सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम पाठ 2 के बचे हुए प्रश्न को पूर्ण करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न क्या है। बच्चों, पाठ 2 का ये प्रश्न है उड़ते मंडराते। आपने अक्सर किन किन चीज़ों को उड़ते मंडराते देखा है? जलते बल्ब के आसपास बच्चों आपने किन किन चीज़ों को उड़ते मंडराते देखा है? तो बच्चों, आपने कीड़े, है ना, छिपकली और भी किसी चीज़ों को देखा है उड़ते मंडराते, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो जलते बल्ब के आसपास अक्सर आपने देखा होगा कीड़े और छिपकली को, है ना। खेतों में अक्सर आपने देखा होगा कीड़े, टिड्डे। टिड्डा भी एक प्रकार का कीड़ा होता है ना। इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर, मक्खी, ठीक है। फूलों के ऊपर मधुमक्खी, तितली। कचरे के ढेर पे आपने क्या देखा होगा बच्चों? मच्छर, मक्खी। इन सभी चीज़ों को आपने उड़ते मंडराते देखा होगा। हलवाई की मिठाई पर बच्चों आपने देखा होगा मक्खी, मधुमक्खी, है ना। तो इन सभी चीज़ों को आपने उड़ते मंडराते अवश्य देखा होगा। तो इसे इस प्रकार से यहाँ पर आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि क्या तुम किसी शेखी बाज को जानते हो? कौन है वह? वह किस चीज़ के बारे में शेखी बघारता है? मैंने आपको बताया था बच्चों शेखी बाज का मतलब क्या होता है कि अपनी प्रशंसा को बढ़ा चढ़ा के करना, ठीक है। अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के कहना, खुद के ऊपर बहुत घमंड होना। तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत घमंडी है, जो हमेशा अपनी बातें करता है, ठीक है? तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो, यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया गया है कि हाँ, मैं एक शेखी बाज को जानता हूँ, है ना। वह मेरे मोहल्ले में रहता है, उसका नाम सुमित है। वह पढ़ने में बहुत तेज है, अतः हर समय अपनी तेजी के बारे में शेखी बघारता रहता है। यानी हमेशा वह कहता रहता है कि अरे, मैं तो बहुत तेज हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है ना, और किसी को कुछ आता ही नहीं है। तो इस प्रकार से अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो आप यहाँ पर इसका आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है बच्चों। ओके, तो आई थिंक चैप्टर 2 में जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और इस प्रकार से चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर भी बच्चों हो गया है। तो जितना मैंने चैप्टर 2 में आपको कराया, इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके अच्छे से याद करिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम फिर मिलेंगे, और कल मैं आपको चैप्टर 3 पढ़ाऊँगी जिसका शीर्षक है चांद वाली अम्मा। तो आज के लिए होमवर्क यही है कि जितना मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा और याद करिएगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।